वेरी गुड मॉर्निंग। मैं जस्ट अभी उठा हूँ और ये देखो ये मेरे पास आ गई। गिरेगा एक्साइटेड। आइए इसका खिलौना, ये सब नए नए खिलौने कल आए और भी लेके आए। ऐसे उधर है देखो, उधर पीछे पीछे है देखो। आइए उठ जा। गुड मॉर्निंग। दम लगाओ दम लगाओ, ये देखो दम लगाइए। गुड मॉर्निंग बोल दो। ये सुबह से उठी हुई, कल पूरा सोई और आज रात भर सोती रही। मतलब शाम से जो सोई भाई रात भर सोती रही और सुबह उठी है, अब एकदम एकदम चल रहा है इसका। आ, 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 और कुछ दिन है ये फिर अपने घर जा रही है। इस बार लंबे टाइम के लिए जा रही है। मुझे फ्रेश अप भी होना है, मुझे आँख ही खुला है आगे। स्माइल 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 जल्दी। स्माइल, दांत निकालो। दांत है मेरे भाई। हमारे ऑफिस के पास देखो भाई क्या हो रहा है। ये पूरा जो चल रहा था यहाँ पे, पूरा यहाँ काम चल रहा है। मेरा आवाज़ आ रहा है कि पता नहीं। यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे एक बड़ी सी अब बिल्डिंग शायद खड़ी होने वाली है। देखो भाई आप लोगों ने जेसीबी की खुदाई कभी देखी है? ये देखो पूरा जेसीबी का खुदाई चल रहा है और पूरे ट्रक में लोड किया जा रहा है पूरा सामान यहाँ पे। ये भाई साहब देखो ऐसे बैठ करके काम करना होता है। और यहाँ देखो भाई पूरा सामान कितनी आसानी से पूरा इतना मिट्टी उठा लेते हैं भाई। ये देखो पूरा उठा, अब सीधा ये गया, अब ये गया, सीधा वहाँ पर लोड हो जाएगा ये। और देखो कितने नोकीले हैं भाई, ये किसी इंसान पे लग जाए ना भाई चीड़ फाड़ देंगे सीधा। भाई देखो कितना पावर है। ऐसी पावर के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो इस वीडियो को। भाई देखो भाई सीधा उखेड़ ले रहा है भाई पूरी ज़मीन को। और गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह से है, सब्सक्राइब टू वॉच फुल। गाइस मेरे साथ ना एक फ्रॉड हो गया, इसलिए मैं अभी यहाँ पे एक बैंक में आया हूँ अपना, कोटक का बैंक। यार बहुत ही दिन बेकार जा रहा है, इनफैक्ट कल से ही। मैं देखता हूँ, पहले जाता हूँ बैंक के अंदर में बात करता हूँ। ये है कोटक बैंक भाई। अजब अजब चीज़ें पता चला यहाँ आकर के। मतलब मैं बताता हूँ, रुको यार क्या सीन है ये पूरा। हे गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। तो गाइस कल ना एक्चुअली मेरे साथ फ्रॉड हो गया था, और जो भी आपने फुटेज देखा मैं बैंक में गया गाइस, दिमाग ख़राब हो गया गाइस। मेरे अकाउंट से करीबन 10,500 रुपये गायब हो गए, स्कैम कर लिया, और भी ज़्यादा पैसे गए, और सबका कंप्लेंट मैंने रेज कर दिया। बट मुझे कहीं से कुछ भी हेल्प नहीं मिल रहा, ना ही बैंक वालों के साथ। जब मैं मिला था गाइस तब गया था, उन्होंने बोला कि भाई जो ऐसे स्कैम से पैसे आते हैं हर दिन आते रहते हैं और बहुत सारे आते हैं, और इसमें बैंक कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट बेसिकली वो इन्वेस्टिगेट वगैरह करेंगे बोले, बट पैसे मिलने का तो चांसेस नहीं है बोल दिया उन्होंने भाई ऑफिसर ने। भाई सीरियसली यार इतना स्कैम होकर के। और बाकी गाइस मैंने जो है ना ये वीडियो, तो अभी ये वीडियो आप तो फ्यूचर में देख रहे हो, बट जिस दिन मेरे साथ ये सब हुआ पूरा एक्सप्लेनर वीडियो मैंने डाला, एक दो वीडियो और भी डाला हेल्प मांगते हुए लोगों से। भाई कोई हेल्प नहीं कर रहा यार। मतलब जब आलतू फालतू वीडियो कुछ बना के डाल देते हैं तो भाई वॉच करते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डाल रहा हूँ जहाँ मुझे मदद की ज़रूरत है, तो भाई कोई नहीं वहाँ देख रहा है। आई डोंट नो क्या है यार लोगों को। बट मेरा ना दो दिन से दिमाग ख़राब है गाइस, कल से सीरियसली कुछ करने का काम नहीं कर रहा है, दिमाग पूरा उड़ा हुआ है भाई, पैसे गायब है। इनफैक्ट
फिनेंशियल प्रॉब्लम इतना है कि भाई एक एक रुपए इज़ इम्पॉर्टेंट, और इस टाइम में मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया। IMPS से, IMPS का फ्रॉड है, IMPS द्वारा किसी और अकाउंट में पैसा गया और बैंक ने भाई बोला कि भाई ट्रेस, तो क्योंकि दूसरे बैंक वगैरह ट्रेस वगैरह देखते हैं क्या करेंगे। इनफैक्ट देखो उस दिन की स्टोरी में मैंने पूरा बताया यार, मतलब बैंक वाले तो पहले केस ही राइज नहीं किए, पुलिस में भी केस नहीं हो पाया, मतलब बहुत दिमाग ख़राब हो गया है। आई डोंट नो यार, एक दो दिन मेरा दिमाग इतना ख़राब रहेगा ना बिना पैसे का, समझ में नहीं आ रहा यार। और देख रहा हूँ वहाँ पे ना बहुत सारे लोगों के साथ में 50,000 1-1 लाख रुपए का फ्रॉड हो रहा है यार, मतलब उन लोगों का हालत क्या होगा। लाइक सो बैड वर्ल्ड यार, ये दुनिया कितना बेकार हो गया। लोग मतलब सिर्फ पैसों के लिए लोग फ्रॉड कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, क्या क्या नहीं तो बोल देते हैं भाई। मैं मतलब विश्वास ही नहीं कर सकते, किसी पे बिलीव नहीं कर सकते भाई। सब लोग तुम्हें ना लूटने के लिए हैं, बस मेरा ना विश्वास ख़त्म हो चुका है। मतलब ऐसे बहुत कुछ बोलने का मन करता है बट क्या करें, आई डोंट नो यार, दिमाग ख़राब है। देखते हैं क्या होगा यार। मेरे बेसिकली वो जो क्रेडिट कार्ड के पैसे थे और मुझे रेंट वगैरह भरना था, बहुत जगह पैसे मुझे देने थे, सब मिला जुला करके यार 34,000 रुपीज़ का वॉक लग गया। चलो ऐसे आप लोग भी अभी इसको सुन के क्या करो, आप लोग भी क्या कर सकते हो, बस मैंने सोचा बता दूँ आप लोगों को। थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा यार, दिमाग ख़राब है। बेसिकली दो दिन से लिटरली कुछ नहीं काम कर पाया हूँ, हर समय वही सोच रहा, ना ही इनफैक्ट रात से मैं सोया हूँ गैस, पूरी रात भर जगा रहा, 1-2 घंटे के लिए सोया, क्योंकि हर वक्त दिमाग में वही चल रहा है कैसे भाई उसने फ्रॉड कर लिया, भाई इतनी आसानी से फ्रॉड कर लिया मेरे से इस तरह से, मतलब पैसे। और हमारी एक ऑनलाइन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, पुलिस सिस्टम, सब मतलब इस तरह से है ना, मतलब कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। आम इंसान जिसको देखो, मुझे इंटरनेट का नॉलेज है, ऑनलाइन फ्रॉड का नॉलेज है, तो मैं इतना दौड़ भाग करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। एक आम इंसान सोचो गांव में, जिसने पढ़ाई नहीं किया, उसको इंटरनेट के बारे में पता नहीं, उस जैसे इंसान के साथ में अगर फ्रॉड हो जाए तो भाई उसकी ज़िंदगी सोचो किस हिसाब से, और तो और कुछ पता भी नहीं कर पाएगा भाई। मतलब इतना बुरा लग रहा है, सीरियसली कसम से बुरा लग रहा है, बहुत बुरा दिन है। शाम के 6:30 बज गए और भाई कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मैं बस घर निकल रहा हूँ भाई। जो स्कैम होने के बाद मैं पूरा ही मूड ऑफ है यार, घर से मैं निकलता हूँ, जाता हूँ लेखना के साथ में थोड़ा खेलूँगा, क्योंकि लेखना का आखिरी दिन है और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग लेखना चली जाएगी अपने घर, अब लॉन्ग टाइम के लिए। क्योंकि देखो दीदी यहाँ पे हमारे घर पे रहती थी, क्योंकि मॉम का आँख वाला का काम वगैरह होता था, ऑपरेशन का काम था, अब वो ऑलमोस्ट वगैरह ठीक हो गया, अब खुद से मॉम मतलब काम वगैरह कर सकती हैं, तो अब दीदी को भी अपना घर देखना होगा। बहुत महीने रुक चुके हैं, अब लेखना भी थोड़ी, उसको भी अपने घर में रहना है, तो वो कल जा रही है सुबह, तो आज मैं दिखाता हूँ लेखना, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ, थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगा। बाकी देखो ये स्कैम वगैरह जो भी है, अगर आपसे कुछ भी होता है हेल्प यस प्लीज़ लेट मी नो इन दी कॉमेंट्स। फाइनली देखो हम आ गए घर और ये भी हैप्पी। कौन है? तभी से मेरे पास आ ही नहीं रही थी, अब आई जा करके, खाना पीना मस्त से खा लिए और यहाँ भाई आज एक आखिरी दिन, फिर कल अपने घर में। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रही है बोलो। उठेगी, उठो 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 उठो, दम लगा के आई, हाँ दम लगा के। उधर क्या देख रहा है ये ना, बहुत शरारती होते जा रही है बढ़ते बढ़ते, शरारती कुछ तो दिखा इसको। ओह ये देखो माउस, माउस है यहाँ पे, यहाँ पे ये मेरा माउस है, इसको साइड में रख। ये कितना जल्दी भागती है देखो, हाँ इसको डर लगता है। देखो नीचे यहाँ से गिर गई ना, आ देखो आ देखो आ देखो आ ये 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 आई, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोलने का? कुछ नहीं, अब बंद करने के बाद में बोलेगी। हाँ क्या एक्सरसाइज है, ये हाँ अब क्या करें। ओ इसको ना फोन चाहिए, फोन देख रही है, अपने आप को देख रही है और इसको चाहिए फोन। देख तो सुसु किया,
ओ देखो अपने आप खड़ा हो गया, बल्ले बल्ले वो ताली भी मार रही है। ताली इसको मारने में मजा आ रहा हूँ। मेरा मुंह मुंह आ ओ ओ ओ आई। रुको इसके लिए ना कुछ हम लोग खिलौने भी लेके आए थे, आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया। रुको ये देखो, ये बैठो नुनु थोड़ा, अरे मेरे पे चढ़ रही, थोड़ा बैठो बैठो नीचे बैठो, आराम से बैठो। इधर इधर इधर, अरे बैठो। इसके लिए देखो ये सब पूरा खिलौना लेके, ये है और एक है, ये देखो एक वहाँ पे है टंगा हुआ है और दो तीन खिलौने साइड में है, सभी उधर रखा हुआ खिलौना सभी। ये सब जो बच्चे का और तो कुछ कुछ तो लेके आए, कहीं तो है इधर ही रखा होगा। और ये खिलौने से खेलती ही नहीं है, इसको चाहिए कोई इंसान या फिर बोतल डब्बा, यही सब चीज़ें चाहिए यार, या फिर फ़ोन। देखो ओ अरे गिर गया, कोई बात नहीं, चलो फ़ोन को सरकते हैं साइड में, मैं थोड़ी देर इसके साथ खेलता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ। ये देखो वैसे अर्ली मॉर्निंग ये जा रही है, आप देखो किससे मार रही है मेरे को। ओ बाप रे, इससे चोट लगता है नूनू, चोट लगता है उससे, हाँ उससे लेके मेरा मारती रहती है। ये इसको क्या मजा आ रहा है मेरे को मारने में, देखो और मरेगा ये है इसका फेवरेट स्पॉट। अभी ना विंडो बंद है, सुबह सुबह देखेगी बाहर, विंडो के बाहर कुछ ना कुछ दिखते रहेगा और भाई यहाँ पे आराम से खड़ा हो जाएगा और टाइम पास करते रहेगी, सोच रही क्या हो रहा है, लाइट पड़ रहा, अभी बैक कैमरा ऑन है। ताली मारो, मजा कर रही है आराम से। और हमने पिल्लो डाल दिया पूरा प्रोटेक्शन के लिए, तब पर भी उसको फान के चली जाती है उधर। देखो बड़ी होके ये सब देखेगी तो भाई क्या सर, ऐ गिर जाएगा, ऐ पकड़ो 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 पकड़ो, आ आ आ जा 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 आ ऐ इधर इधर इधर। ये देखो ये जो इसका खिलौना है ना, ये ऐसा रहता है, ये सभी रिंग को अपने साइज़ के हिसाब से उसको अंदर डालना होता है, बट इसको बस तोड़ने में मज़ा आता है ना, पूरा तोड़ तार के निकालेगी, अंदर डालेगी भी नहीं, सिर्फ निकालने में मज़ा आता है। देखो ये पता है अभी इसने क्या किया, इसने पिलो पे सुसु कर दिया, फिर मेरे पे भी लग गया, फिर इसका पैंट चेंज कराया, फिर से आ गई। कौन है कौन है, देखो वो कौन है, कौन है भाई, आ आ आ आ आ ओ ओ ओ जो वो गिर जाएगा। ये फोन अपने आप को देखने के चक्कर में देखो कैसे आएगी, इधर दिखाता, आओ अब इधर आओ, आ जाओ आ जाओ, पकड़ो 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 अपने आप को, दौड़ते दौड़ते एकदम तेज, अब एकदम देख ओ ओ गिर, ओ ये घूमते घूमते गिरे, ये पीछे इधर आगे, तेरे शॉर्ट्स लेंगे, एक मस्त वीडियो बनाएंगे ठीक है। चारों तरफ ये रुको नुनु ऐसे बैठ। देखो तुम लोगों को ना कुछ चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो अब वो जो खिलौना इसका पूरा रेडी कर दिया, अब जाओ ये लो ये लो ये लो ये 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 लो ये लो, इसको लो इसको, देखो कैसे तोड़ेगी ये पूरा, तोड़ पकड़ो 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 पकड़ो, ले लो ले लो ले लो, इश ये आ, अब इसका काम उसको कैसे तोड़ना है। बिजी हो गई उसके साथ, ठाई शी मुंह में नहीं नहीं नहीं, खाने का नहीं हो, खेलने का।
हम सोच रहे हैं ना ऐसे ही करके एक फोटो लेंगे मस्त वाला, रुको इसी को शायद थंबनेल के लिए डाल। लोग फोटो कर रहे थे और फिर से सुसू कर लिया, इसलिए फिर से इसका पैंट चेंज करा रहा हूँ, मार मार के मुझे ना, चलो इसका पैंट चेंज करा के आता हूँ। छोटा माथा उठे पे लगेगा, ये रहा पत्थर, वो इधर एक आया, वाह कितना साल के बाद में पत्थर देख रहा है अभी, पत्थर पत्थर। ये बारिश का पत्थर, ये देखो बारिश में पत्थर, पत्थर पत्थर बारिश का पत्थर, आप पत्थर खत्म। ये देखो खतरनाक वाला बारिश पड़ रहा है, और हमें जो है ना पत्थर मिला, हमने थोड़े पत्थर उठा भी लिए, रहो भाई क्या बारिश पड़ रहा है। तो भाई फाइनली यार क्या बारिश पड़ा यार, मतलब आज ना, आज करीबन कितने बजे मैं बोलूँ तो, हम लोग डिनर करने वाले थे, आई मीन डिनर करके मैं बैठा था और टीवी वगैरह देख रहे थे, फिर अचानक से यार बारिश स्टार्ट हो गया, ये करीबन 9:30 के आसपास में भाई, और थोड़ी देर में भाई ओले पड़ रहे थे, पत्थर पड़ रहे थे जो मैंने आपको दिखाया ना भाई, पत्थर लिटरली। फिर दीदी आई, उन्होंने बोला कैमरा छोड़ो साइड में, फ़ोन छोड़ो साइड में, पहले पत्थर को कलेक्ट करो, तो हमने भाई चादर वगैरह डाल करके वो थोड़े पत्थर कलेक्ट, क्योंकि एक्चुअली कहते हैं गाइस, घर मेरे घर में बोल रहे थे कि जो भी बारिश वाले पत्थर रहते हैं ना, उसको अगर आप कलेक्ट करके रखते हो और कभी भी आपका हाथ कहीं भी जल जाता है राइट, तो अगर उस पर लगाते हो ना तो भाई वो बहुत मेडिसिन की तरह काम करता है। आई डोंट नो, आप में से किसी को और पता है भाई नीचे कमेंट करना, बस ना मेरे मॉम भी वही बोल रही थी, डैड भी वही बोल रहे थे, और दीदी भी वही बोल रही थी, इसलिए भाई। तो बाकी गाइस देखो, सब चीज़ बुरा जाने के बाद में घर में आकर के भाई थोड़ी शांति मिली, लेखना साथ खेला, और कल सुबह करीबन 10 बजे हमें निकलना है उसको ड्रॉप करके आने के लिए, उसके पहले बैंक भी जाना है, दीदी का कुछ बैंक का काम है वो कंप्लीट करना है, फिर ड्रॉप करना है, फिर आना। एंड गाइस ये स्कैमर्स का ना बहुत चिढ़ा रहे यार ये लोग, मतलब मुझे चिढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं ये वो मजाक कर रहे हैं, मैंने बोला डिसाइड किया अब तो इसकी अच्छी तरह से इनको बोलूँगा दूंगा, इसके लिए एक शायद सेपरेट चैनल बना करके इसको भेजता रहूँगा, ये ज़िंदगी में कभी भी जेल जाएगा ना मुझे याद रखेगा, इस चेहरे को वो याद रखना चाहिए गाइस। मैं आप लोगों के साथ में शायद शेयर करूँगा इस चैनल पर, अगले चैनल पर मैं क्या कर रहा हूँ करके, वरना उनको तो भाई पक्का कुछ ना कुछ करना है सीरियसली, ये तो बात सही है। आप लोग क्या बोलते हो भाई, जो स्कैमर्स लोग रहते हैं मेहनत के पैसों को जो लूट लेते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। एंड आई एम श्योर कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं जाता हूँ सोने के लिए, फिलहाल अपने भाई माउंटेन ट्रेकर भैया को देख रहे थे, तो मिस्टर वरुण भाई ऑन द कैमरा, वरुण भाई को देख रहा हूँ, बहुत दिन बाद भाई, इनकी ना वीडियोस बंद हो गई थी एक्चुअली आने के लिए, मैं सोच रहा था भाई क्या हुआ क्या हुआ, वरुण भाई दिख ही नहीं रहे, फिर अचानक से अब वीडियोस आना स्टार्ट हुई क्योंकि इन्होंने ब्रेक लिया था। वट एवर इट इज़, वरुण भाई अपना मस्त रहे यही मैं बोलना चाहूँगा, और कभी यार कभी लाइफ में कभी भी मतलब हो ऐसा कुछ मौका, कभी वरुण भाई से मुलाकात हो भाई, वरुण भाई आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा। चलो गाइस एनीवेज रात के करीबन हो गए यार 11 बज गए, मैं ना थोड़ी देर इनकी व्लॉग देख करके, अजी व्लॉग ख़त्म ही हुआ है, एंड में पार्ट में हूँ, ओके तो मैं फिर चलूँगा, बाकी गाइस आप लोग ख्याल रखना, बाय बाय, गुड नाइट।